साथियों नमस्कार, मैं हूं लोकेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल। साथियों आज के इस वीडियो में मैं दिसंबर माह के असेसमेंट को ऑफलाइन किस तरह से रिकॉर्ड संधारित करके रखना है, तो साथियों मैं अपने आईडी पर लॉगिन हो जाता हूं और लॉगिन होने के पश्चात ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है जिसको मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस प्रकार ऑनलाइन असेसमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं विद्यार्थी का असेसमेंट पर क्लिक करता हूँ और माह दिसंबर लिखा हुआ है 2020, तो दिसंबर माह के लिए हमको रिकॉर्ड संधारित करके रख सकते हैं। तो किस तरह से करना है ये देखिए, आप कैसे करना है यहाँ पर देखिए, 5 बच्चों को पूर्ण हो चुका है, 1 बच्चे का बचा है ऑनलाइन के लिए, तो इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड आ गया। इसमें असेसमेंट करना है बच्चों को उसके दक्षता के आधार पर सुनना और बोलना, तो हमको हिंदी और गणित का यहाँ पर दक्षता के आधार पर असेसमेंट करना है। तो इसको ऑफलाइन कैसे करना है, तो साथियों वीडियो में बने रहिए अंत तक, तभी आपको समझ में आ सकता है। तो साथियों यहाँ पर हमको इसको पीडीएफ में जो दिया है उसको हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के इसको संधारित करके रख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो दिया है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। योजना के अंतर्गत हमको 1 से 8 तक के बच्चों को असेसमेंट करना है जो कि मार्च तक यह प्रोग्राम चलेगा। तो दक्षता सुनना और बोलना दोनों का एक ही साथ दे दिया गया है और इसमें 3 दक्षता दिया गया है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। इस तरह से पहला दिया है इसका सरल निर्देशों को सुनकर समझ पाता है, यदि हाँ तो हाँ बनना है, अगर नहीं कर पाता तो नहीं बनना है। इस तरह से हमको इसका प्रिंट आउट निकाल कर संधारित करके रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमको इसका परेशानी से बचना है तो उसको संधारित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में गणित का दिया हुआ है जो कि 5 दक्षता है इसका गणित का और हिंदी का 3 दक्षता। इस तरह से हम इसको संधारित करके रख सकते हैं। तो साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।